वेलकम टू पेनकास्ट किचन। आज मैं आप सबको टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बनाना सिखाती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए 2 टमाटर कटे हुए, जीरा, नमक, गुड़, हरी लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च, काला नमक और जीरा जो भुना हुआ और पिसा हुआ। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए आप एक पैन में थोड़ा सा तेल ले लें। तेल में आप ये लाल मिर्च खड़ी हुई लेके इसको बारीक तोड़ लें, इस तरह तरीके से। थोड़ा सा जीरा डालें। इसके बाद जो हमने लाल मिर्च ली है उसे डाल लें। इसके बाद हम टमाटर डालेंगे। अब इस टमाटर में थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ा सा काला नमक, नमक हम इसलिए पहले यूज कर रहे हैं जिससे कि टमाटर जल्दी गल जाए। अब ये देखिए हमारे टमाटर गलने लगे हैं। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। आप चाहे तो आप शक्कर भी यूज कर सकते हैं, पर गुड़ जरा सेहत के लिए अच्छा होता है इसलिए मैं ऐसे यूज करती हूँ। आपको जितना मीठा पसंद है आप उस हिसाब से इसमें गुड़ डाल दें। आप देखिए किस तरीके से हमारे टमाटर अच्छे तरीके से गल गए हैं और गुड़ भी इसमें पिघल के मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये भुना हुआ जीरा जो हमने भून के और पीस के रखा है और थोड़ी सी लाल मिर्च। ये सब डालने के बाद आप तकरीबन ऐसे 5 से 10 मिनट तक आप भूने। आप इसे तब तक भूनते रहे जब तक कि टमाटर और गुड़ एक साथ अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए और टमाटर पूरे तरीके से गल जाए। ये देखिए हमारे टमाटर की खट्टी मीठी चटनी अब पूरे तरीके से तैयार है। आप चाहें तो इसे पूरी, पराठे या इवन ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। आपको ये मेरी चटनी कैसी लगी आप प्लीज़ हमें ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।